Hello friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from One Earth Feather Cap. Let's start our new chapter, which is very important. And what is the name of the chapter? Dealing with an emergency. Do you know what is an emergency? Yes, apatkalin. मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, डेंजरस सिचुएशन आ जाए और हमें उससे बचना हो और हमें फास्ट हेल्प चाहिए हो, जैसे कि अर्थक्वेक, फायर लग जाना, तो क्या होता है, हम वहां से भागते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए, वो होता है इमरजेंसी। सो लेट्स स्टडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थ्रूआउट द लाइफ हमें ये चैप्टर को दिमाग में रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रायर टू दिस लेट्स स्टडी। COVID-19 इज अ सिकनेस कॉज्ड बाय अ टाइनी जर्म कॉल्ड वायरस। दिस जर्म कैन मेक अस पीपल वेरी सिक, सो वी नीड टू बी केयरफुल एंड टेक प्रिकॉशंस टू स्टे सेफ। COVID-19 आया था ना? यस। और ये किससे हो रहा था? ये बहुत ही छोटे से वायरस से, जर्म से वायरस था जिसका नाम, उससे एक कम्युनिकेबल डिजीज थी। और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लिए थे हमने? मास्क, दूरी एंड हैंड वॉश। यस, क्योंकि ये एक से दूसरे को हो रहा था। हेयर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विद अदर फ्रॉम COVID-19। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। सिंग अ फन सॉन्ग व्हाइल यू वॉश टू मेक इट मोर एंजॉयबल। हमें 20 सेकेंड्स तक अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना था। हम गाना भी गा सकते थे तब तक। वेयर अ मास्क दैट कवर्स योर माउथ एंड नोज व्हेन यू गो आउटसाइड और आर अराउंड अदर पीपल। दिस हेल्प अस टू जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। हम मास्क पहनते थे जिससे कि जर्म्स हमारे तक आ ना पाए, स्प्रेड ना हो पाए। ट्राई टू कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल अबाउट एज फार एज बींग जम्प ऑन 3 big steps। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हेल्प स्टॉप जर्म फ्रॉम रीचिंग यू। हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी थी, लॉन्ग 3 big steps की, जिससे कि स्प्रेड ना हो पाए। नाउ लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट COVID-19। हाउ डज COVID-19 स्प्रेड? इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज। जर्म स्प्रेड थ्रू एयर। व्हाट कैन वी डू टू स्टे सेफ फ्रॉम COVID-19? 3 major steps थे, वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक अ डिस्टेंस। सो लेट्स स्टडी द चैप्टर नाउ। अ सिचुएशन दैट पोजेसेस एन इमीडिएट रिस्क टू हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट इज कॉल्ड एन इमरजेंसी। वो सिचुएशन जो हमारे लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, उसे कहते हैं इमरजेंसी। डिफिकल्ट सिचुएशंस आर मोमेंट्स ऑफ इमरजेंसी कैन हैपन विदाउट वार्निंग। दे कैन बी एक्सीडेंट्स और नेचुरल इवेंट्स दैट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड हार्म टू पीपल एंड एनिमल्स। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स और कैलामिटीज एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड सैडनेस। Disasters can happen because of nature and because of humans. Natural disasters like earthquakes, tsunamis, cyclones, floods, volcanic eruptions and forest fires are caused by the forces of nature that we cannot control. That is why it is important for us to be prepared and learn about what causes these disasters and their effects and how to handle them. Ab kuch problems aisi hoti hain jo hamare haath mein nahi hoti, जिन्हें ना तो हम ला सकते हैं और ना ही हम इन्हें स्टॉप कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं? अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप हमारे कहने पे नहीं आता, किसी के कहने पे तो नहीं आता और ना वो रुकता है। वो आता तो कुछ सेकंड्स के लिए है, बट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। बिल्डिंग टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। सो फर्स्ट इज अर्थक्वेक, देन कम्स अ सुनामी। सुनामी क्या होती है? जब समुद्र में बहुत तेज लहरें आती हैं और उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, सब जगह पानी पानी हो जाता है, फ्लड हो जाता है, सुनामी। साइक्लोन, हवा का बवंडर। जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे सब कुछ टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है, साइक्लोन उसे कहते हैं। सो ये सब जो चीजें हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लावा फूटना, ये सब हमारे हाथ में नहीं होती और ना ही हम इन्हें रोक सकते हैं, ना ही हम इन्हें बुला सकते हैं। ये नेचुरल होती हैं। बट इन सिचुएशन से कैसे हमें डील करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, कैसे दूसरों को बचाना चाहिए, ये हमारे हाथ में जरूर होता है और इनके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब बीमार हो गए तो हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं? दवाई खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं,
तो ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि बीमार तो हम हो सकते हैं अगर हम ठंड में कपड़े नहीं पहनेंगे, बाहर घूमेंगे, कैप नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, तो हम वीक हो जाएंगे और हम सिक भी हो जाएंगे। वो सिचुएशंस को तो हम बचा सकते हैं, बट नेचुरल कैलामिटीज से हम नहीं बच सकते। हमें उससे सर्वाइव करने के लिए प्रिकॉशंस यूज करने पड़ते हैं। ओके, हैवी रेनफॉल और फ्लड। सबसे पहले आता है बाढ़, जिसे हैवी रेनफॉल की वजह से आती है, बहुत बारिश होती है उसकी वजह से, और या फिर सुनामी, हवा, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तब। हैवी रेनफॉल कैन समटाइम्स लीड टू इमरजेंसी, स्पेशली इफ इट कॉजेस फ्लडिंग। फ्लडिंग हैपेंस व्हेन देयर इज सॉरी फ्लडिंग हैपेंस व्हेन देयर इज टू मच रेन एंड द वाटर ओवरफ्लोज रिवर्स, लेक्स एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। इट कैन बी डेंजरस एंड कॉज डैमेज टू होम्स, रोड्स, इवन इफेक्ट मेनी पीपल्स सेफ्टी। हैवी रेनफॉल की वजह से जब पानी को हम नहीं स्टोर कर पाते, नहीं रोक पाते, और कंटिन्यूअसली 2-3 दिन तक बहुत तेज बारिश होती है, उससे क्या होता है, जो रिवर्स का, लेक्स का जो वाटर लेवल होता है वो राइज हो जाता है, मतलब चढ़ जाता है, और वो फिर उस बाउंड्री से पार करता हुआ किसमें आ जाता है, शहरों में आ जाता है, गाँव में आ जाता है, और हर जगह पानी पानी हो जाता है, जिससे कि तबाही मच जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, खेत सब में, पेड़ों के नीचे सब जगह पानी पानी होता है, और वो उससे बहुत नुकसान होता है, कई जानवरों को नुकसान होता है ना, आपके व्हीकल्स को नुकसान होता है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड फ्लड। अब हमें कैसे इससे सिचुएशन से हैंडल करना चाहिए। इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन एन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग, हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। वॉट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टे इन्फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें, ये नहीं होना चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं था, हमेशा जागरूक रहें, है ना, न्यूज चैनल्स देखते रहिए। पे अटेंशन टू वेदर रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, दे विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन वार्निंग। ये सब लोकल अथॉरिटीज जो है ये बताती रहेंगी कि कल थोड़ा मौसम सुधरेगा या कल और तेज बारिश होगी, तो अगर आप अपने घरों में हैं तो आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। सीक हायर ग्राउंड, हमेशा ऊपर लेवल वाले घरों में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए। इफ यू आर इन अ फ्लड प्रोन एरिया, इफ वाटर लेवल्स आर राइजिंग, मूव टू अ हायर ग्राउंड, दिस कुड बी एन अपर फ्लोर of building or designated evacuation center. Avoid areas near river streams or drainage system. आपको नदी के पास और जहाँ नाले हो उनके पास अगर आपका घर है या वहाँ कोई रहता है तो उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए और ऊपर ऊंचाई वाले लेवल पे शिफ्ट कर देना चाहिए। Stay safe. Do not attempt to walk or drive through flood areas. The water may be deeper than it looks and there could be strong currents. If you are caught in a vehicle during heavy rainfall and flooding, abandon it and move to a higher ground or foot. हमेशा व्हीकल से बचना चाहिए क्योंकि पानी कितना गहरा है ये हमें नहीं पता, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको अपना व्हीकल छोड़कर पैदल ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कब पानी में आप धंसते चले जाएंगे आपको नहीं पता, तो आपको सेफ रहना चाहिए। फूड एंड वाटर, खाने का, पैक नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स सच एज एनर्जी बार्स, कैंड फूड्स और ड्राई फ्रूट। These can serve as a source of sustenance during emergency. It is advisable to have a supply of boiled water in clean containers to ensure safe drinking water. हमेशा perishable item, non-perishable item जो कि खराब नहीं होती, जैसे कि आपके पास कोई biscuits हैं या आपके पास dry fruits हैं या candies हैं, इन्हें अपने पास रखने चाहिए। ये एक तरीके से energy source का काम करती हैं, और हमेशा boiled water को containers में भर के अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी, हमेशा एक इमरजेंसी डॉक्टर किट, मेडिकल किट आपको रेडी रखनी चाहिए। दिस किट शुड इंक्लूड अ टॉर्च, ड्राइड सेल्स, कैंडल्स, सम फूड आइटम्स, मेडिसिन एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्टैक्ट इमरजेंसी सर्विसेज, हमेशा आपको इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर आपके फोन में सेव होने चाहिए। इफ यू आर इन अ इमीडिएट डेंजर और नीड असिस्टेंस, कॉल द इमरजेंसी सर्विस हेल्पलाइन इन योर एरिया, दे विल बी able to provide guidance and help. In June 2013, during the devastating flood and landslide that struck Uttarakhand, the armed forces evacuated more than 100,000 people from the flood hit area. जब केदारनाथ में 2013 में बहुत तेज बारिश की वजह से फ्लड आ गई थी, तब एयरक्राफ्ट्स ने वहां पे 100,000 लोगों को वहां से, यात्रियों को बचाया था। Then stay calm and patient. हमेशा डरना नहीं चाहिए, आराम से सिचुएशन को डील करने की हिम्मत होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए।
During emergency, it is important to remain calm and patient. Follow the instructions of emergency responder and cooperate authorities. Help those around you, especially children, elderly individuals or people with disability. हमेशा इन लोगों की हेल्प हमें पहले आगे बढ़कर करनी चाहिए, घबराहट नहीं करनी चाहिए. फायर, अब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए. फायर कैन बी डेंजरस इमरजेंसी दैट रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कामनेस. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू अ फायर सिचुएशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर. हियर आर सम एसेंशियल स्टेप्स टू डील विद द फायर एजेंसी. फायर इमरजेंसी, फायर क्या होती है, एकदम बढ़ जाती है, तो हमें उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, ये अब हम पढ़ेंगे. स्टे काम एंड अलर्ट, आराम से धैर्य रखे. The first and the most crucial step is to stay calm and alert. Panicking can make the situation worse and hinder your ability to make rational decisions. आप अगर घबरा जाएंगे तो आपकी सोचने की पावर भी कम हो जाएगी. तो आराम से सोचिए कैसे इस सिचुएशन से हमें बाहर, कहाँ रास्ता है, कैसे निकल सकते हैं, उसको देखिए. Sound an alarm. If you discover a fire, immediately alert others by activating the nearest fire alarm or calling for help. Inform people around you about their fire so that they can evacuate to safety. अगर जहाँ पे भी फायर अलार्म बज रहा है उसको बजाइए, जिससे कि औरों को भी पता चले कि वहाँ आग लगी है, वो आपकी हेल्प कर सके, या जो वहाँ से निकल सकते हैं वो भी पहले वहाँ से निकल जाए. Alert authorities once you are at a safe distance. Call emergency services such as fire department to report the fire. Provide them with accurate details about the location and nature of the fire. अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं तो फौरन जाके फायर डिपार्टमेंट को फोन करिए और उन्हें बताइए कहाँ पर कैसे कितनी आग लगी है, जिससे कि वो उस हिसाब से तैयारी करके फायर को बचाने आ सके, फायर से लोगों को बचाने. डू नॉट री एंटर द एरिया. अगर आप एक बारी बाहर आ गए हैं तो दोबारा घुसने की कोशिश मत करिए एरिया में. अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू री एंटर अ बर्निंग बिल्डिंग और अ एरिया. Let trained firefighters handle the situation. जो trained firefighters हैं, जिन्हें उनके पास proper covering होती है, वो ही जाएं, आप अपने आप ना जाएं. Use fire extinguisher. If the fire is small and manageable, you can have been trained to use a fire extinguisher. You can attempt to extinguish it. Remember the acronyms. Pass. Pull the pin. Aim at the base of the fire. Squeeze the lever and sweep the extinguisher from the side to side. Now this is a picture of fire extinguisher. ये आपने generally hospitals में या बड़ी buildings में जरूर देखी होगी. इसका एक setting होती है pass. एक दिमाग में idea रखिए pass. और ये चार word से बना है PASS. What is the first word? Pull the pin. यहाँ pin होता है, उसे बाहर निकालिए. Then A is aim at the base of the fire. जहां पर फायर लगी है, आ रही है, वहां पे aim करके उसको press करिए. Then S, squeeze the liver. Liver को squeeze करिए, दबाइए. Sweep the extinguisher from side to side. और फिर sweep करिए, इधर से उधर घुमाइए, जहां पे भी उसको आपको घुमाना है. Now stay low and protect yourself. If you encounter smoke, get down and crawl beneath it to avoid inhaling harmful fumes. Cover your nose and mouth with a cloth to filter the air as you make use way to safety. Now, अगर आपके जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे धुआं आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में झुक जाइए, बिल्कुल झुक जाइए और ज़मीन पे क्रॉल कीजिए, जिससे कि जो धुआं होता है ना वो हल्का होता है, वो हवा में रहता है, नीचे सबसे एंड में आता है. तो जब आप अपना लेवल नीचे कर लेंगे तो आपको जो इनहेल करेंगे डेंजरस गैसेस वो सबसे लिमिटेड होगी. सो आप उस जगह पे लेट के क्रॉल करने की कोशिश करके बाहर निकलिए. देन व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर इफ एन इमरजेंसी. व्हाट इज स्टेप टू कम, ये आप पढ़िए. यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग वन इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इमरजेंसी. फाइंड आउट एंड राइट द एड्रेस एंड फोन नंबर. एड मोर नेम्स टू फीड प्रॉपर टू द लिस्ट. फायर स्टेशन का एड्रेस और फोन नंबर, नियर बाय हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड पुलिस स्टेशन की एड्रेस एंड फोन नंबर आपके पास जरूर होने चाहिए जो आपके नियर बाय हैं. देन प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग अ डिजास्टर. जब हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर आती है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी चाहिए. ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर मेनी इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ग्रुप्स कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड द अफेक्टेड पीपल विद एड. वॉलंटियर डॉक्टर्स, नर्सेस ट्रीट द इंजर्ड एंड टेक्स अ सूटेबल मेजर टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक. द पुलिस हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंट लूटिंग ऑफ शॉप्स.
The firemen put out fire. The army clears road to the so that the relief can reach the affected area promptly. Besides, they are repair or rebuild damaged roads and bridges. The Air Force airdrop food, water and clothes. Now, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है हमारी कंट्री में तो ये सब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की ये सब फील्ड हैं ये सब अपना 100% देती है. डॉक्टर नर्सेज हेल्प करती हैं, इल को ट्रीट करती हैं, फायर डिपार्टमेंट फायर बुझाती है, आर्मी लोगों को इधर से उधर भेजती है ना, पुलिस लोगों के यहाँ चोरी ना हो जाए, दुकानें ना लुट जाएं, इसलिए वो और ज़्यादा अटेंटिव रहती है, उन्हें से बचाती है. तो ये सारा डिपार्टमेंट अपना 100% देता है जिससे कि हमारी कंट्री दोबारा से अच्छी हो जाए. न्यूज़पेपर, बिजनेस हाउसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प. दे कलेक्ट मनी, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड सेंड द कलेक्टेड आर्टिकल्स टू द डिजास्टर एंड अफेक्टिव एरिया. कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कई बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब एक तरीके से पैसे दे के हेल्प करती है, लोगों को खाना पहुंचाती है फ्री में, क्योंकि जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी नीड और हेल्प मिल सके. हाउ कैन वी हेल्प, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. देयर इज एन इमरजेंसी, वी कैन ऑल्सो हेल्प इन फॉलोइंग वेज. वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई डोनेटिंग मेडिसिन एंड आर यूज्ड क्लोथ्स. हम अपने पुराने कपड़े और दवाइयाँ दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं. वी कैन असिस्ट इन क्लियरिंग द एरिया दैट हैव बीन क्लॉग्ड बाय डेब्रिज. जहाँ पे भी वो एरिया रहते हैं जब कैलामिटी खत्म हो जाती है तो हम वहाँ जाके उस एरिया को साफ कर सकते हैं और दोबारा से उनके घर बनने में उनकी मदद कर सकते हैं. वी कैन कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ गार्बेज टू स्टॉप फ्लाइज एंड मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग इन इट. हम वहाँ पे मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा के, धूप बत्ती जो भी है इसे मीन्स करके वहाँ पे और सफाई करके, जिससे कि कीड़े मकोड़े ना वहाँ पे पैदा हों और बीमारी ना फैले, ये कर सकते हैं. वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिलीफ मेजर्स और अबाउट हेल्थ प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन. वी कैन एनकरेज पीपल टू स्टे काम, नॉट पैनिक, सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन कैन डील विद द सिचुएशन स्मूथली. हमें उनको धैर्य देना चाहिए कि डरिए मत, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उनकी हेल्प करनी चाहिए उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स में, हेल्थ नीड्स में, हाइजीन नीड्स में लोगों की हेल्प करनी चाहिए. फर्स्ट एड फॉर सम कॉमन इमरजेंसी. अब डे टू डे सिचुएशन में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो कैसे डील करनी चाहिए. फर्स्ट एड इज अ क्विक हेल्प गिवन टू समवन हु इज हर्ट बिफोर अ डॉक्टर और अ मेडिकल केयर हेल्प कम्स. इफ इट इज डन फास्ट इनफ इट कैन स्टॉप द पर्सन कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड मे बी इवन सेव देयर लाइफ. अगर हम किसी पर्सन को जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो उससे उसकी जान भी बचती है और उसकी हेल्थ भी जल्दी इम्प्रूव हो जाती है. तो हर किसी को अपने घर में एक फर्स्ट एड किट या मेडिकल किट जरूर रखनी चाहिए. When someone is affected by a flood, it is important to help as quickly as possible. First, make sure you have saved before approaching the person. अगर कोई बाढ़ में फंस जाता है तो हमें उसकी जल्दी से जल्दी मदद करनी चाहिए, पर पहले खुद की अश्योरिटी करनी चाहिए कि आप भी सेफ हो ना. मतलब आपने खुद तो सेफ्टी किट ली नहीं और आप हेल्प करने पहुंच गए तो उससे क्या होगा, आप दोनों ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे. तो पहले अपनी सेफ्टी होल्ड करके फिर आपको दूसरे की हेल्प करने जरूर जाना चाहिए. इफ यू कैन मूव देम टू सेफ एंड ड्राई एरिया, चेक इफ दे आर ब्रीदिंग एंड हैव अ पल्स रेट. आपको देखना चाहिए कि उसकी सांस चल रही हो. इफ दे आर नॉट ब्रीदिंग बट हैव अ पल्स, आस्क फॉर एन एडल्ट टू हेल्प और कॉल फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस. इफ दे आर ब्लीडिंग, प्रेस अ क्लीन क्लॉथ और योर ऑन योर हैंड फर्मली ऑन द वाउंड. अगर किसी को खून निकल रहा है तो आपको साफ कपड़ा उसके हाथों पे या जहां पे भी लग रहा है उसको उस एरिया को वहां पे टाइटली बांध देना चाहिए जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. और अगर हार्ट बीट नहीं चल रही तो आपको इमरजेंसी नंबर पे जल्द से जल्द कॉल करना चाहिए. इफ यू सी एनी ब्रोकन बोन्स, डोंट ट्राई टू मूव देम, इंस्टेड टेल एन एडल्ट और समवन इन चार्ज. इफ समवन इज अफेक्टेड बाय अ फायर, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स टू हेल्प देम. अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो आपको उसे कहना नहीं चाहिए चलिए चलिए, आपको उसे खुद गोद में लेके या इमरजेंसी असिस्टेंस को से इस हेल्प से ही उसे इधर से उधर शिफ्ट करना चाहिए. अगर कहीं पे आग लग गई है तो कैसे करना चाहिए, मेक श्योर यू आर सेफ एंड अवे फ्रॉम द फायर बिफोर ट्राइंग टू हेल्प. द पर्सन क्लोथ्स आर ऑन फायर, रिमेंबर टू स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. दिस मीन्स दे शुड स्टॉप मूविंग, ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड रोल एंड फोर्थ अंटिल द फ्लेम्स आर आउट. इफ यू सी समवन हु इज बर्न, टेल अ ग्राउंड अप राइट अवे. डू नॉट टच द बर्न एरिया और ट्राई टू रिमूव एनी क्लोदिंग दैट इज स्टक टू द स्किन. द ग्रोन अप विल कॉल फॉर हेल्प एंड टेक केयर ऑफ द पर्सन. रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट
हेयर फ्रॉम अ ग्रोन अप क्विकली। आप देखिए, अगर किसी को आग लग जाती है तो उसके तीन स्टेप होते हैं। आप सबसे पहले जमीन पे लेटिए और वहां पे रोल होना शुरू कर दिए, जिससे कि अगर आपके कपड़ों पे आग लगी है तो वो जमीन से, जमीन पे मिट्टी होती है या ग्राउंड पे लग के रोल होके वो अपने आप बुझ जाएगी। अगर कोई जल गया है तो उसके बर्न एरिया को टच मत करिए, या अगर उसकी स्किन पे कपड़ा चिपक गया है तो उसे खींचने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज स्किन भी बाहर निकल सकती है। और अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको अपने बड़ों से हेल्प लेके उसको वहां से डॉक्टर के पास फौरन ले जाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए आप भी सेफ हो और दूसरे को भी सही सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। ओके, डन विद द चैप्टर, लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। What is an emergency? A situation that poses a risk, no. A natural event that caused a lot of damage and harm. A difficult situation that happens without warning. Yes, all of the above, right? What are the examples of natural disasters? Earthquake and tsunamis, floods and cyclones, volcanic, all of these. What should you do if you are caught in a heavy rainfall and flooding? Stay informed and listen to the weather reports. Rest, seek higher ground and avoid flood areas. True. Do not attempt to walk or drive to the all of the above. What is the first and the most crucial steps to take during a fire emergency? Call emergency services, sound the fire alarm, stay calm and alert, evacuate the area as quickly as possible. All are very important, first of all. So first is stay calm and alert. Then what should you do if you encounter smoke during a fire emergency? Get down and crawl beneath the smoke. Okay. Then these are the fill in the blank disaster or calamities that are difficult situation moments, emergency that can happen without warning. Flooding happens when there is a too much of rainfall. During emergency, it is important to remain calm and patient. Evacuation is dashed during a fire to stop safety. Evacuation is the first during a fire. During a natural disaster, various institutions and charitable groups come forward to provide help to the affected people. What are the emergency? You know what is the emergency? The definition is given. How do floods affect the people of life? Yes, house is gone, and people have no work. Many of them loses their health, life also. People get lost by the flood. Ho jate hain, hai na? So why should we move to higher areas during flood? Because the much you are higher at, the water level will take much time to come to you. So it is always better to reach a higher level. Okay. Describe any two ways in which relief work is carried out in the events of natural disaster. You know what are the ways in which the relief fund go? We have already started this way. Describe two ways. So one is this thing. It's the whole paragraph. Yeah, during natural disaster, main situation, charitable trust, the firemen put out fire, the army clears roads so that the relief can reach out the affected area promptly. You can answer any two ways from this paragraph. And what can we do to help during the events of emergency? We have already studied this thing also. If someone is affected by fire, it is important to remember a few things. Yeah, and this way we can help the people from coming out of the emergency. What is first aid? The first medical help given to a person is called a first aid. Read the chapter very carefully. It is a very important chapter. And till then, what you have to do? Happy learning!